हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद स्वाति। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ कढ़ी की रेसिपी, जिससे आपकी कढ़ी कभी नहीं फटेगी। और साथ में रसगुल्ले जैसी नरम मुलायम पकौड़े की रेसिपी मैंने बताई है, जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें 6 बड़े चम्मच यानी 3/4 के करीब बेसन डाल देंगे। बेसन को यहाँ पे पहले छलनी से छान ले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका घोल बना ले, पानी ज़्यादा ना डालें। और मैंने यहाँ पे बेसन में अभी कुछ भी नहीं डाला है। तो पहले हम बेसन का एक फ्लफी सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया है और इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। और अब आप देख सकते हो कितना फ्लफी सा बैटर बनके तैयार हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं हमें इस कंसिस्टेंसी में घोल बनाना है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इन सभी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, यहाँ मैंने पकौड़े को सॉफ्ट बनाने के लिए किसी भी सोडे या फिर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम बनेंगे। तो इसका टिप्स और ट्रिक्स यह है कि यहाँ मैंने बेसन का घोल बनाने के बाद इसमें सारी चीज़ें मिलाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दें, जिससे सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और बेसन भी फूल जाएगा और फ्लफी भी हो जाएगा, जिससे पकौड़े स्पंजी बनेंगे। तो अब 10 मिनट के बाद चलिए पकौड़े को तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ मैं एक एक करके छोटे छोटे से पकौड़े बना लें। तो यहाँ मैं आपके साथ एक और टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि पहले आप हाथों को गीला कर लें और फिर बैटर को हाथों की मदद से छोटे छोटे गोल गोल साइज में डालें। आप चाहे तो स्पून के हेल्प से भी बना सकते हैं। अगर आप हाथों से बनाते हैं तो पकौड़े का शेप निखर के आएगा और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तेल में डालने के बाद इसे कुछ सेकंड के लिए रहने दें और फिर इसे हल्के हाथों से एक एक करके पलट लें। इसे पलट कर हम दूसरे साइड से भी पका लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने दें। पकौड़े को मीडियम साइज पे तल लें, नहीं तो इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने पकौड़े को एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से और भी पकौड़े फ्राई कर लें। तो यहाँ सारे पकौड़े बनकर तैयार है। अब हम कढ़ी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। अब हम कढ़ी बनाने के लिए घोल तैयार कर लेंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है और ये खट्टी दही है। तो सबसे पहले मैंने दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ मेरी एक और टिप्स है, कढ़ी बनाने के लिए ताज़े दही नहीं बल्कि खट्टे दही का ही इस्तेमाल करें, तो इससे कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डाला है। अब इसमें हल्दी पाउडर भी यहीं पे डाल दूंगी। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। इसके बाद हमें इसे बहुत अच्छे से फेंट ले ताकि इसमें लम्स ना रहे। आप चाहे तो इसे हैंड ब्लेंडर या फिर हैंड विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से दलगुट्टी से ही आप मिक्स कर लें। तो यहाँ मैंने सभी को अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसे थोड़ा पतला कर लेंगे। तो इसमें 2 कप पानी ऐड करके इसे बहुत अच्छे से मिला लें। तो यहाँ बैटर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने पकौड़े बनाने के लिए सरसों तेल का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं उसी कढ़ाई में बना रही हूँ। आप चाहे तो दूसरे में भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालें, साथ में सूखी लाल मिर्च डाल दें और इसे कुछ देर के लिए पका लें। कढ़ी बनाने के लिए ज़रा सा ही तेल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ जीरा और लाल मिर्च पक गया। अब हम इसमें क्रश किया हुआ 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लें। आप चाहे तो लहसुन को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ अब लहसुन बहुत अच्छे से पक गया। अब हम इसमें कढ़ी का बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद इसे तुरंत चलाते रहें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और इसे मिला दें, फिर इसमें और पानी डालें। तो मैं यहाँ पे 2 कप और पानी डाल रही हूँ। अगर आप कढ़ी गाढ़ा पसंद करते हैं तो इस टाइम पर कम पानी डालें। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर कढ़ी को पकाएंगे जब तक कि उबाल ना आ जाए। तब तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो कढ़ी फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और कढ़ी बनाने का मेन सीक्रेट यह है कि इसे लगातार चलाते रहें और इसमें नमक पहले ना डालें। तो इस तरह से कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी कभी नहीं फटेगी। तो अब आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे 1 मिनट के लिए पकने दें। अब कढ़ी 1 मिनट पक गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे।
मैंने यहाँ गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अगर आप चाहें तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद भी नमक ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें पकौड़े डालकर इसे अच्छे से मिला दें और इसे आधे मिनट के लिए और पका लें। बस इतना ही कढ़ी को पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि पकौड़े कढ़ी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और खाने में एकदम सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले जैसे लगे। और 5 मिनट बाद आप देख सकते हो कढ़ी भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। जैसे जैसे ये कढ़ी ठंडा होता जाएगा और थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ कढ़ी पकौड़े की मज़ेदार रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे प्लेन राइस के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ मैं एक पकौड़े आपको तोड़ करके दिखा दे रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी और जूसी लग रहा है, एकदम रसगुल्ले जैसी। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। तो मेरी इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में आप अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।